अस्सलामु अलैकुम, सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में रिव्यू करेंगे, आपको बताएंगे ट्रेसोरिक सोर्स सिरप के बारे में, ये बच्चों को कब इस्तेमाल करवाना चाहिए, बड़े कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे इस्तेमाल करने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, सब कुछ डिटेल में बताऊँगा। डिटेल में जाने से पहले सब दोस्तों से गुजारिश है, जो लोग चैनल पर नए हों वो चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास बावक पहुँचता रहे। चलें जब बात करते हैं ट्रेसोरिक्स फोर सिरप की, ये एक हाइनोन कंपनी ने बनाया है जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है। अगर इसकी प्राइस के बारे में बात करें तो ये आपको हर फार्मेसी से 140 रुपए का इजीली मिल जाएगा। अगर इसकी फार्मूलेशन के बारे में बात करें तो सेफ्रोहेप्टाडाइन, कार्निटाडाइन, लेसाइन और उसके बाद विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B12, यानी कि ये आपकी उल्टी को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वोमिटिंग को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आपकी भूख बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आपकी जो जिस्मानी कमज़ोरी है, वीकनेस है, उसको ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करवाया जाता है। कुछ लोगों को कोई मेडिसिन इस्तेमाल करने की वजह से, कोई एंटीबायोटिक इस्तेमाल करने की वजह से भूख सही तरीके से नहीं लगती, उन लोगों को भी इस्तेमाल करवाया जा सकता है। ये आपके नर्वस सिस्टम को बेहतर करता है, कमज़ोरी को ख़त्म करता है, नशोनुमा को बढ़ाता है और ये कद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करवाया जाता है। और जिन बच्चों का कद रुक जाता है, नशोनुमा सही से नहीं होती, भूख सही तरीके से नहीं लगती, खाना पीना वो सही से नहीं खाते, उस दौरान भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। ख़ास तौर पे ये भूख बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करवाया जाता है, जिस्म की कमज़ोरी को ख़त्म करने के लिए, पट्ठों को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल करवाया जाता है, ये हड्डियों को ताकत देता है, खून को बढ़ाता है, रेड ब्लड सेल जो हैं उनको बढ़ने में मदद देता है। ये छोटे बच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बड़े लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसकी डोज की बात करें तो जिन बच्चों की उम्र 1 साल से 2 साल तक है उनको आप हाफ़ टी स्पून इस्तेमाल करवा सकते हैं दिन में 3 दफ़ा, और जिनकी उम्र 2 साल से 10 साल तक है उनको आप 1 टीस्पून दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करवा सकते हैं, और जिनकी एज 10-12 साल से अबव है उनको आप 2 टीस्पून दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये ज़्यादातर खाने से पहले ही इस्तेमाल किया जाता है ताकि भूख सही तरीके से लग सके, आप सही तरीके से खाना खा सकें। अगर इसकी बात करें तो जिन बच्चों की नशोनुमा रुक जाती है, कद सही तरीके से नहीं बढ़ता, भूख सही तरीके से नहीं लगती, जिस्मानी हालत कमज़ोर है या हड्डियां कमज़ोर हैं, पट्ठे कमज़ोर हैं, उस दौरान ये इस्तेमाल कर सकते हैं सिरप। अगर साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो ये सिरप इस्तेमाल करने से आपको गनोदगी हो सकती है, नींद आ सकती है, मुँह खुशक हो सकता है, ज़्यादातर इसके इतने साइड इफ़ेक्ट्स देखने को नहीं मिलते। अगर वीडियो पसंद आया करे लाइक लाजमी किया करें, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक लाजमी करें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा।